अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने चैनल बनाना है। वो चैनल किसी भी किस्म का हो, जो आपने थंबनेल देखा है वो बिल्कुल ठीक देखा है। किसी भी किस्म का चैनल बनाना है, और मोस्टली जो है ना वो गेमिंग पे लोग बनाते हैं, और गेमिंग चैनल का किस तरह बनाना वो सारा कुछ जो है ना आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट से देखना और सारी वीडियो को देखना, कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। सारी वीडियो में जो है ना इंफॉर्मेटिव होगी, सारी वीडियो हर बात इंफॉर्मेटिव होगी। आप गौर से सुनिए और पूरी वीडियो को देखिएगा और इस पे अमल कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आपने ओपन करनी है जीमेल, मतलब कि हमने एक जीमेल बनानी है, कहीं भी बना ले वो जाके जीमेल। हम सबसे पहले जीमेल क्रिएट करते हैं, हम स्टार्ट से लेके एंड तक शुरू करते हैं। ये समझ लें कि एक कंप्लीट कोर्स करने लगे हैं। ये कंप्लीट कोर्स होगा चैनल बनाने से लेके चैनल मोनेटाइज करने तक। तो आप इस चीज़ का हिस्सा बने और देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सबसे पहले हम चैनल बनाने से लेके तो मोनेटाइज तक हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे आज पहली वीडियो है ये, और इस कोर्स की हम सबसे पहले चैनल बनाते हैं, बनाने का तरीका देखते हैं कि चैनल बनता कैसे है। उसके लिए आपने सबसे पहले एक जीमेल तैयार करनी है, और जीमेल किस तरह बनानी है वो आप किसी भी तरह बना सकते हैं। आपकी कोई पर्सनल जीमेल ऑलरेडी बनी पड़ी हुई है तो आप वो यूज़ कर लें। ज़रूरी नहीं कि जीमेल जैसे मैंने कहा वैसे बनानी है, जीमेल अपने तरीके से बना लें, कोई बनी पड़ी हुई है वो इस्तेमाल कर लें। मोस्टली ऐसा होता है कि हमारी जीमेल्स पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लगी होती है, हम वो जीमेल यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि वो सिक्योर होती है, तो वो भी सबसे बेस्ट है। आप अपनी ही जीमेल को इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरे नेट का इशू होने की वजह से माजरत है, नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले आपने जीमेल बनानी है, अगर नई जीमेल बनानी आती तो ये वीडियो देख लें कैसे जीमेल बनानी है। यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करना है, क्रिएट अकाउंट पर। तो जीमेल अपनी जो है ना सिक्योर होगी आपकी, अगर अपनी है तो वो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप वीडियो पे देखते रहिए। पहले सबसे पहले जीमेल बनाते हैं। जीमेल में सबसे पहले आपने फर्स्ट नेम देना, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ीशान, एम ज़ीशान। तो मैं अपना नाम लिख के सेंड किया, नेक्स्ट किया। सबसे पहले नाम हम एंटर करते हैं, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ है जो वो है फ़रवरी 1999। और जेंडर आपको जो भी जेंडर है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लगाएं, मेल हैं तो मेल लगाएं, और बाकी आप समझदार हैं। देन आपने नेक्स्ट करना है, और अपनी बर्थडे देने के बाद नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट के बाद हमसे अभी जो भी पूछेगा, एक सिंपल चीज़ें हैं जो पूछना है। तो अभी जीमेल सेलेक्ट करनी है, पहले तो वो दो आपको खुद सजेस्ट करेंगे। अगर आप इन ये आपको इजी लग रही है आप ये रख लें, नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये रख लेता हूँ, ईजी है ऊपर वाली, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देते हैं। अगर नहीं आपने अपने कोई नाम की बनानी है तो यहाँ पे लिख के तो बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम बनाते हैं, पबजी प्लेयर बना देते हैं, पबजी प्लेयर की आईडी बनानी है, पबजी PLAYER प्लेयर 7807। आगे किया, इस नाम से कोई आईडी नहीं है इसलिए हमारी जो आईडी है वो मेरे ख्याल से बनने जा रही है और बन जाएगी ये। तो इस तरह से आप या तो उनकी सुजेस्ट की हुई ये दो आईडीज़ हैं, अगर तो उन्होंने कोई सुजेस्ट की है कि आप ये लिख लें, ये नाम अवेलेबल नहीं है आपके नाम के साथ मैच भी है तो ये करना चाहिए, ये रख लें। नहीं तो अगर अपने अपनी बनानी है तो यहाँ पे क्रिएट योर ओन जीमेल एड्रेस, कोई भी अपना जीमेल एड्रेस आप लिख सकते हैं, हमारी ओके हो गया। आप पासवर्ड लिखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अपना पासवर्ड लिखेंगे, कोई ऐसा पासवर्ड जो सिक्योर हो और बाद में मसला ना करे। तो हम यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान लिखता हूँ, पाकिस्तान।
पाकिस्तान 1 2 3 4 5 6 सर ये पासवर्ड नहीं लगा। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग में आपने सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो कैपिटल पी, हमने कैपिटल कर लिया, बाकी सेम कर दिया। ये चीज़ है तो अभी हमारा पासवर्ड ओके हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में तीन चीज़ें होती हैं, सबसे पहला जो लेटर वो कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद स्मॉल होने चाहिए, उसके बाद जो काउंटिंग में से कोई लफ्ज़ होने चाहिए, दो तीन चार जितने भी हो सके। तो ये होगी हमारी जीमेल। उसके बाद अगर तो आप फ़ोन नंबर दे लेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि फ़ोन नंबर दे दें, आपकी आईडी सिक्योर हो जाएगी, फुल सिक्योर होगी। अगर आप फ़ोन नंबर नहीं देना चाहते, वो सिक्योर नहीं है, आप नीचे करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्किप पे कर देंगे, वो ऐसे ही बन जाएगी आईडी नंबर के बगैर। और अगर आप ऐसे ही बनाना चाहते हैं, नंबर के साथ बनाएंगे सिक्योर, वो मेरी यही सजेशन है कि नंबर के साथ आईडी बनाएं। तो अगर नंबर के साथ नहीं बनानी, यहाँ पे स्किप कर दें। इंटरनेट की वजह से शायद ये मसला आ रहा है, अदरवाइज़ जो है आईडी बन जानी चाहिए थी, बन गई आईडी।